आज मेरे साथ जो टाइट बच्ची बैठी हुई उनका मैं काफी टाइम से इंटरव्यू और निकाह करना चाह रहा था, लेकिन ये मुझे छोड़ के चकमा दे के साउथ अफ्रीका चली गई। वहां ये एक बहुत बड़ी गैंगस्टर बन गई और यहां भी गैंगस्टर ही ये है। कॉन्ट्रोवर्सी ने इनका पीछा छोड़ दिया लेकिन मैंने नहीं। तो आज जानते हैं और जांचते हैं कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है और ये मेरे साथ क्यों नहीं है। प्लीज वेलकम द एक्सट्रीमली टैलेंटेड डॉक्टर शाइस्ता लोधी। शाइस्ता वेलकम। बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं आप? आपने बहुत लेट कर दिया। लेट कर दिया मैंने? लेट कर दिया आपने। अच्छा, वो प्रोग्राम में बुलाने में भी और मुझसे मिलने में भी। अच्छा, लेकिन मेरे पास तुम हो देखने के बाद मुझे लग रहा है आप सबका चांस है। कभी कुछ भी हो सकता है, हैं जी? पता नहीं लाइफ का। डॉक्टर साहब ये बताएं कि लड़कों का दिमाग कहाँ होता है? सर के अंदर। सर में ही होता है? अच्छा अच्छा, अदनान सिद्दीकी ने मुझे कुछ और बताया था। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप किस चीज़ की डॉक्टर हैं? जी मैं एस्थेटिक्स को डील करती हूँ, एस्थेटिक फिजिशियन हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मेरे कुछ और मसले हैं, वो आप नहीं सॉल्व कर सकती? नहीं, आप अगर कहें तो उस पर भी बात हो सकती है। हैं? हाँ, हो सकता है। अब मेरे दरअसल में ना वो हवातीन मेरे से बड़ी दूर रहती है, ये मसला है। मुझे कोई ऐसी आप दवा दे दें जिससे मेरे ऊपर लड़कियां मरने लग जाएं जो है, या कोई ऐप है आपके पास ऐसी ऐप? नहीं, ये पता है क्या, ये आपको लगता है, हालांकि मुझे तो लगता है खवातीन आप पर मरती हैं। हाँ, आपको लगता ही है। या आप मुझे पसंद आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना। आपको इनमें से सबसे ज्यादा सेक्सफुल अदाकार कौन लगता है? सेक्सुअल समझती हैं? मैं वेट कर रही थी इस क्वेश्चन का। हाँ, ये हमेशा होता है, बड़ा पॉपुलर हमारे यहाँ। जी जी। और नहीं पूछू तो कमेंट आते नहीं चाहिए, आपने क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा? और मुझे बड़ा अफसोस होता अगर आप मुझसे ये नहीं पूछते। हाँ, थैंक यू थैंक यू। सबसे सेक्सुअल अदाकार सेक्सुअल पता है आपको क्या होता है? जी जी पता है। क्या होता है? जी पता है, अब जरूरत थोड़ी है मैं आपको भी समझाऊं। पता है, समझ में आ गया। समझ आ गया, बिल्कुल। जो बहुत कामयाब होते हैं अपने करियर में, सेक्सफुल, फुल ऑफ सेक्स। वसीम अब्बास साहब, बेरो सब्जवारी, शहरयार जैदी, या फिर अपना फिरदौस जमाल साहब, सबसे सेक्सुअल अदाकार आपको कौन लगता है? ये खुल के बोलो, क्या नाम दिया आपने मुझे? आई थिंक देर वेरी वेरी सेक्सी सेक्सफुल। आपने वो थ्रीसम वाला ड्रामा देखा, मेरे पास तुम हो, जिसमें दो हीरो और एक हीरोइन थी, लव ट्राइंगल होते हैं ना उसको, कहते हैं थ्रीसम वाला ड्रामा। वो आपने देखा, बड़ा मशहूर हुआ, वो लोगों ने सिनेमा जाके भी थ्रीसम देखा उनका। शाइस्ता लोधी ये बताएं कि हमने सुना है कि मॉर्निंग शो होस्ट ने पूरे चैनल को सर पे उठाया हुआ होता है, हंगामा किया हुआ होता है, ये चाय ठंडी है, ये किसी के मुंह पे पानी फेंक दिया, किसी की सीट गिरा दी, ऐसा सच है या ये मिथ है सिर्फ? नहीं नहीं, कुछ हद तक सच है। तो अच्छा, खैर है ना, मतलब अच्छा, दिन होते हैं उसके मॉर्निंग शो होस्ट के। और ये सब बर्दाश्त कैसे कर जाते हैं, वो डरते हैं आपसे? मुझसे नहीं, सिर्फ मैं थोड़ी हूँ मॉर्निंग शो होस्ट, बहुत सारे और लोग हैं, सारे यही करते हैं, सारे सबसे डरते हैं। तो ये हाँ। क्या देखिए, एक्टर से कोई नहीं डरता, डायरेक्टर तो बेचारा वैसे ही बड़ा मिस्कीन होता है, ठीक है, बाकी भी जो फौज होती है, ये होस्टों का इतना टैका कैसे होता है, मुझे समझाएं ना। क्योंकि अगर होस्ट नहीं आए या होस्ट का कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर तो शो नहीं होगा ना, इसलिए टैका होता है। एक्टर भी ना आए चैनल को शो कराना होता है, एक्टर भी है तो ना होगा, लेकिन एक्टर फिर भी रिप्लेस हो जाता है ना। अच्छा, ये हो नहीं सकता, होस्ट नहीं हो सकता। आपने भी चुन के ऐसी नौकरी पकड़ी कि जिसमें टैका भी हो और आपकी चले भी है, ठीक है जी, सही है बिल्कुल। ये बताएं कि आपके शोज पे कभी गेज या लेस्बियन आए हैं? जी। अच्छा जी, तो वो मतलब आके उन्होंने अपनी आइडेंटिटी इस तरह से तो नहीं बताई? नहीं, आपको कैसे पता चला फिर? आपको भी बहुत सारी चीजें पता है, आपको पता नहीं है, लेकिन हर चीज आप तो शो में बोल देते हैं, मुझे तो मना था ना। अच्छा, मैं तो नहीं बोल फिल्टर करना पड़ता है आपको। जी जी जी, ठीक है। आपका भी इंशाल्लाह वेब पे शो शुरू होगा जिसपे आप इखलाक से गिरी भी बातें कर सकती होंगी शायद। ये बताएं कि आपने अपनी शादी पे बैचलरेट नाइट की थी? नहीं नहीं की थी। अच्छा, हमारी रिसर्च ने बताया कि आपने बहुत सारे मेल स्ट्रिपर्स बुलाए थे उसमें। नहीं, तो मेरे को दोस्त थे, वो कह रहे थे हम शाइस्ता के यहाँ जा रहे हैं। आगे चलते हैं। शाइस्ता ये बताएं कि आपके टोटल 3 भाई हैं? जी। तो आपने बाकी 2 कहाँ छुपाए हुए? बाकी 2 शायर के अलावा 3 भाई हैं। हमको हमने बाकी 2 को कहीं देखा क्यों नहीं, उनको आपने कहा लॉक करके रखा हुआ है? नहीं, आपकी इतला बिल्कुल गलत है, यहाँ आपकी जो हजारों की रिसर्च टीम है उसने सही काम नहीं किया। कितने हैं? 3 ही हैं। 3 भाई हैं? हाँ। एक हो गया साहिर, हाँ, बाकी 2 को कहाँ छुपा के रखा? ओ ओ, अच्छा अच्छा, आई थॉट, अच्छा, ओ सॉरी, गलत नहीं, कम अगेन, ओके जी, वो मीडिया में नहीं है। हाँ, क्यों? क्यों, उनकी मर्जी, उनको पता नहीं यहाँ कितने नोट छापे जाते हैं कितने आसानी से।
हमें भी ये नहीं पता कि दूसरे और प्रोफेशंस भी हैं जो हमसे ज़्यादा नोट छाप जा सकते हैं। हाँ यार, मुझे बताइएगा अगर साउथ अफ्रीका में आपको कोई पार्टनर चाहिए हो तो। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आगे चलते हैं। शाइस्ता बहुत अच्छा खेल रही है, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अब तक आप जा चुकी होंगी छोड़ के थप्पड़ मार के मुझे, लेकिन वेल प्लेड। जी जी, थैंक यू। ये बताएं कि आप मुझे कभी शोबिज पार्टीज पे नजर नहीं आती, क्या आपको टुन लोग पसंद नहीं? वो जो मुंह के अंदर घुस के बात कर रहे होते हैं कि शाइस्ता डॉक्टर यू आई लव यू टाइप सीन, वो अच्छे नहीं लगता आपको? नहीं, अच्छा नहीं, कंफर्टेबल फील नहीं करती शायद इसलिए। अच्छा, इसलिए। हाँ, हाँ. मैंने कभी नहीं देखा आपको जो है ना। हाँ। अभी इस सैटरडे भी एक दो नंबर पार्टी है, मैं इस पे जा रहा हूँ। मैं आपको, अच्छा दो नंबर पार्टी? हाँ, मुझे तो भी इनविटेशन मिलती है ना। अच्छा। तो मैं आपको बुलाऊंगा अगर आप फ्री हुई तो चलिएगा। ठीक है, अगर आप बुलाएंगे तो मैं चलूंगा। थैंक यू। हम चलते हैं अपने ट्रू और फॉल्स राउंड की तरफ। आपने कहना है कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है। जी, मैं और साहिब बचपन से होस्ट रोज खेलते थे शीशे को देख के, और बड़े होकर भी यही करते हैं और बहुत पैसे चार्ज करते हैं। मैं और वो ऐसा नहीं कुछ खेलते थे। नहीं नहीं। अच्छा, जब मैं बड़ी हो रही थी तो वो पढ़ने जा चुके थे, तो हमारा वो वाला बचपन उस तरह से नहीं गुजरा। अच्छा, हाँ। तो आपने कैसे होस्टिंग शुरू कर दी? पहले एक्टिंग तो नहीं शुरू की आपने? होस्टिंग? नहीं, नहीं, होस्टिंग, होस्टिंग। हाउ कम? लड़कियों को तो एक्ट्रेस बनने का शौक होता है कि हाँ। हम बड़ी हुए और मशहूर हो जाए वर्ल्ड वाइड। हाँ, तो मैंने तो जरूरत के तहत शुरू किया था ना, मैं पढ़ी थी और मुझे था कि मेरी पॉकेट मनी निकल जाए, तो मैंने इस तरह से होस्टिंग शुरू की थी। मुझे उस वक्त कोई ऐसा सेंस नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं। और डॉक्टरी भी आपने कंटिन्यू साथ में ही रखी कि वो होल्ड कर दी? जी जी जी, वो ही तो पढ़ रही थी तो उस दौरान ही ये सब शुरू हुआ। तो अभी आगे क्या इरादा है आपने, और कितने लोगों की माँ बहन करनी है? मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ, आज मुझे लग रहा है कि अब तक जो मैंने किया है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, है ना? ना, मुझे कुछ मुख्तलिफ करना चाहिए वरना पर्सनालिटी पे सूट नहीं करेगा। मैंने स्पार्क निकाल दिया ना आपके अंदर से, है ना? बस लग रहा है मुझे। अगला शो आप देखिएगा, इनका ऑलरेडी यूट्यूब पे एक शो है लेकिन अभी वो सफाई सब होने वाला है इस शो के बाद। ट्रू और फॉल्स हम खेल रहे थे। मैंने फिल्म इसलिए नहीं की मुझे शदीद 2 रुपए के स्ट्रिप मिलते थे। नहीं, मैंने फिल्म करना ही नहीं चाहा। ऑफर तो की होगी लोगों ने? हाँ, ऑफर आई थी लेकिन मैंने करना ही नहीं चाहा। क्यों? कभी चाहा ही नहीं, सोचा ही नहीं। अगर वैसे सोचे, क्योंकि हम सब एक्सप्लोर करके एक टाइम पे कहते हैं कि कुछ नया करते हैं, और हाँ, आपने अगर फिल्म की तो हाँ, वो सारी हरकतें कर लेंगी जो हमारी फिल्मों में होता है, मतलब PG-13 पर नाच गाना आइटम नंबर टाइप सीन ये जो सब होता है। मैं तो कर लूंगी, लोग मंजूर नहीं करेंगे आपको कभी। तो देखने के लिए मैं कह रहा हूँ ब्लैक में लोग टिकट खरीदेंगे, क्योंकि आपका इमेज और इम्प्रेशन बहुत वो है ना, बिल्कुल मॉर्निंग शो होस्ट और वो करके आप जब करेंगी ऐसा बाजी 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 इमेज, मॉर्निंग शो होस्ट जो होती है ना वो बाजी बाजी होती हाँ, है बाजी। तो देखिएगा आप कभी फिल्म करके देखिएगा, देखना क्या होता है जो है ना। मेरे कुछ जानने वाले हैं वो फिल्में बनाते हैं। अच्छा। तो मैं आपके साथ उनका हुकअप करा दूंगा। अच्छा, जो है ना, ठीक है। और वो फाइनेंस आपके वो गैंगस्टर दोस्त कर देंगे। हाँ हाँ, सही है ना, ठीक है, आगे चलते हैं। और पार्टी में हम उन्हें बुला लेंगे, 2 नंबर वाली पार्टी जहाँ आप जा रहे हैं। अच्छा, उन सारे लोगों को पार्टी में बुला लेंगे, फिर तो काम हो जाएगा। वो मुझे कटा देंगे वो, फिर आपको ऐसे नहीं, वो मैं नहीं, वो नहीं आएंगे, मैं और आप जाएंगे। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। मेरी क्लिनिक में बहुत सारे एक्टर भी आते हैं ये समझ के कि मैं साइकेट्रिस्ट हूँ और मुझे अपने सारे मसले बता देते हैं। ट्रू। ये बताएं कि मॉर्निंग शो होस्ट बनने के लिए इन सब में से क्या ज़्यादा जरूरी है, खुश शक्ल होना, गुल बदन होना, फनी होना या कॉन्ट्रोवर्शियल होना, या ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। अच्छा अच्छा, गुल बदन भी होना? गुल बदन क्या है ये? ये मैं आपको इसका एक लिंक भेज दूंगा गूगल डिक्शनरी का। हारून और फाखर में से ज्यादा लंबा कौन है? मेरा ख्याल है हारून। हारून मेरा ख्याल है। शायद वो 1/4 इंच लंबा है। ये बताएं आपकी सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा किस बात पे बजाएगी? हर बात पे बजती है वहां तो, हर बात पे, कोई इशू नहीं है। आजकल किस बात पे बज रही है? आजकल देखिए, जब आप ऑन शो होस्ट कर रही थी वो वाला, तो रोज ही डेली बेसिस पे होती है। आज ये कर दिया, आज ये कर दिया, उसमें शुक्र है बहुत दिन से दूर, उसमें तो कोई मौका है। ठीक है, अब भी सेलिब्रिटीज की लोग नीचे कमेंट करते रहते हैं और कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। आजकल चूंकि क्लिनिक में मसरूफ हूँ ज्यादा, तो उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये आती है इनके पास ये तो, और जो बेचारी आती सिर्फ कंसल्टेशन के लिए है, और कंसल्टेशन के बाद उसने कोई प्रोसीजर नहीं कराना लेकिन उसकी तस्वीर आ गई है, उसकी तो शामत आ गई। पीछे पड़ जाता है। हाँ, ये तो है ही प्लास्टिक ना, ऊपर से नीचे तक। आपने बहुत सारी एक्ट्रेसेस के अंदर सामान लगाया?
किसको देख के, अभी तो खैर आप माशाल्लाह शादी शुदा हैं, किसको देख के दिल में घंटियां बजी थी? अब तक बजती हैं, ये क्या बात हुई? अभी बजती हैं? हाँ, ये क्या बात हुई? मेरे अलावा और, मेरे अलावा और किसको देख के कभी बजती हैं? भाई बहुत सारे लोग हैं जो भी अच्छा लगने, जो भी मतलब गुड लुकिंग बंदा हो तो अच्छा लगता है, उसमें क्या घंटियां बजती हैं। अच्छा एक और सवाल, आप इंडस्ट्री में मेरे अलावा कितने लोगों को जानती है जो वर्जिन है? और किसी को नहीं, मुझे लगता है सिर्फ आप, सिर्फ मैं रह गया हूं, सिर्फ आप रह गए। उस हिसाब से उसमें भी वैल्यू बहुत होनी चाहिए ना मेरे ऊपर। ये तो बात है, है ना? हाँ। आप अपनी सहेलियों को बताइएगा कि एक जो है ना ऐसा नहीं, मैं सहेलियों को क्यों बताऊं? मैंने अपने आप को बता दिया, ये काफी है। मैं सहेलियों को बता के खामखाई शेयर होल्डर्स, आपके मियां ने जो है ना, आपको कुछ नहीं कहना लेकिन मेरे पीछे पड़ जाना उन्होंने, क्योंकि यहाँ ऐसे ही होता है कि हमेशा जो है ना बॉय की, लड़के की गलती मानी जाती है, अपनी बीवी सबको सेट लगती है बिल्कुल। आयजा खान से कुछ सीखें आप, और खलील साहब से कुछ सीखे आप। आपके खलील साहब से कोई पाला पड़ा है? जी जी बात हुई है, उनने आपको इजाजत दे दी बात करने की? हाँ जी जी, इजाजत परमिशन देते हैं ना वो। जी जी। अच्छा, तो उनने आपको कुछ बताया नहीं कि औरत क्या है और औरत क्यों नहीं है? नहीं, वो तो इतना बता रहे हैं, पूरी सोसाइटी को बता रहे हैं। आपके शो पे आए कभी? नहीं, शो पे तो नहीं आए, लेकिन मेरा बड़ा, मेरे शो के बाद ये ड्रामा ऑनियर हुआ। हालांकि बड़ा दिल चाहा कि खलील साहब को इंटरव्यू करना चाहिए था, है ना, टिका के। मैं क्योंकि 6 महीना आपसे बड़ा हूँ उम्र में। अच्छा। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, इन दो लोग से बच के रहिएगा। अच्छा, खलील साहब एंड फिरदौस जमाल। आर यू सम सॉर्ट ऑफ अ डेमी गॉड, किस मशहूर एंकर के अल्फाज हैं? सुना है आपने? जी सुना। किसके? एक बहुत मशहूर एंकर है, उनका नाम है साहिर लोधी, उन्होंने कहा था। साहिर लोधी साहब के हैं ये, बिल्कुल ठीक है। वर्क वाइज आपकी अल्टीमेट फैंटेसी क्या है? कम अगेन, वर्क वाइज आपकी अल्टीमेट फैंटेसी क्या है? मैं नॉर्मली वर्क वाइज का लफ्ज हटा देता हूँ, लेकिन आप के साथ नहीं कर सकता। तो काम वाइज आप हॉलीवुड जाना चाहती हैं, आप चांद पे शूट करना चाहती हैं, आप स्टार वॉर्स में बनना हीरोइन चाहती हैं, क्या आपकी मीडिया को लेके? हाँ, कोई बहुत अच्छा शो दोबारा स्टार्ट करना चाहती हूँ। जी जी, और मेडिकल प्रोफेशन को लेके? हाँ, मेरे अपने प्रोफेशन को लेके प्रॉब्ली मैं चाहती हूँ कि मैं इंटरनेशनल काम करूँ जाके। ये फैंटेसी आपकी? जी जी, ये फैंटेसी है। मेरी भी कुछ फैंटेसीज हैं, बट वो ये नहीं है। ओके, देखते हैं आप कितनी डेयरिंग है। जी। इनमें से क्या काम आपने कभी नहीं किया? ठीक है, ठीक है, या नहीं करेंगी? ठीक है। दो तलवार से मालिशी या खुसरे उठाना है? मतलब ये डेयरिंग है कि करेंगी कि नहीं करेंगी? दो तलवार मालिशी बैठे होते ना बोतलें लेके। मैं कर लूंगी। कर रही? वाओ मैन। आपने कभी किसी और के नाम से कमेंट लिखा है सोशल मीडिया पे जवाब देने के लिए? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं? नहीं, अपने नाम वो लिखवा देती हूँ किसी और से। लिखवा किसी और से? अपनी टीम से लिखवा देती हूँ। खुद लड़की पहुंची हुई है, आजकल की बच्चियां भी इनसे सीखें बजाय खुद जवाब देने के किसी और से लिखवा दिया करें। अवार्ड शोज पे क्या किसी और की सीट आपने उसका नाम फाड़ के कभी दबोची है? मैं कभी किसी अवार्ड शो पे गई नहीं। नहीं गई? आप इतनी एंटी सोशल क्यों है? आपको व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्यों नहीं जानती है जाती है? नहीं, मेरी अगर मेरा सिर्फ ये होता ना कि मेरा मीडिया प्रोफेशन है तो शायद मैं उस तरह से, मैं उतनी डेडिकेटेड नहीं हूँ इधर। शौक भी नहीं मेरे पास, पैरेलल चीज़ें हैं ना, तो वो फिर अच्छा, वो वहाँ कमिटमेंट्स बहुत होती हैं। शाइस्ता बिल्कुल टाइम नहीं ज़ाया करना चाहती अवार्ड शिवार्ड्स पे जाके। वैसे भी अवार्ड जो है ना वो आधा घंटा लोग अटेंड करके उसके बाद हमारी सेहत के रूम में चले जाते हैं और वहाँ पर पार्टी होती है, मतलब समझे अवार्ड भी वहीं होते हैं फिर उसके बाद। तो आपको खास मिस नहीं कर रही हैं, और आपको आना भी हो तो आप डायरेक्ट वहाँ हुमायूं के होटल रूम में आ जाइएगा। वैसे हुमायूं ने मुझे कहा था कि पूरे मीडिया में अगर मेरी कोई बहन है तो वही है। हाँ, अरे वो होश में नहीं होंगे। नहीं, उन्हें ऐसे ही कह दिया होगा, वो ऐसी बातें नहीं करते होते, बाद में रिग्रेट किया होगा, अपने आप को थपड़े मारी होंगी, मिट्टी सर पे डाली होगी, कहा होगा मैंने क्या बोल दिया किसी लड़की को पहली दफा जो है ना, वो मैं नहीं मानता। आपके मॉर्निंग शो में कभी ब्राइट करो टाइप मोमेंट हुआ? हाँ, बहुत दफ़ा। क्या किया? बहुत दफ़ा। ये मैंने नहीं किया, गेस्ट ने ज़रूर किया, मैंने भी किया होगा, मतलब इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। बताएं हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। दिखाओ दिखाओ, दोबारा दिखाओ, कैसी लग रही हूँ। हैं? हाँ। बट वो जो एक क्या कहते हैं साइको लेवल का मोमेंट, वो मैंने एक होस्ट का देखा है। वो तो मैंने भी सबने देखा है वो तो। नहीं नहीं, वो वाला नहीं। अच्छा, कोई और? मैं किसी और होस्ट की बात कर रही हूँ। मैं इससे अच्छी लगनी चाहूँ, नहीं चाहिए। वेरी नाइस, इन्हें किया भी बड़ा अच्छा। आपको एक्टिंग करनी चाहिए, ड्रामे तो आपने किए हैं, आपको फिल्म करनी चाहिए जिस तरह आपने चाहिए किया। अच्छा बताएं, अगर ये कौन होस्ट बोल सकता है? अब मैं आपको प्रोवोक कर रही हूँ ना कि आप मुझे बताएं कि कौन बोल सकता है।
नादिया लाइट उस पे कम रखना, मुझ पे ज्यादा रखना। नादिया खान मुझे क्या पता, तो मैं रिसर्च करूं। चार पांच नाम बोले। सनम जंग देखे नहीं हो सकती, नेक्स्ट सवाल ही नहीं। सनम बलोच हो सकती हैं। ये है हमारा एक्सट्रीमली ओरिजिनल सेगमेंट, क्योंकि हमने इजाद किया था। मैं एक वर्ड बोलूंगा, आपके दिमाग में जो पहला वर्ड आया आपने मेरे मुंह पे मार देना है। ठीक, वर्ड मारना है सर। ठीक है, ठीक है। मर मर और आप, मर मर, मर मर और आप, ये आपका शो था एक बराए रास्त? नहीं, मैंने तो ऐसा कोई शो नहीं किया कभी। इसमें लिखा हुआ आपका शो था मर मर और आप बराए रास्त। हम और आप बराए रास्त। अच्छा जी, ये मैं कसम से झूठ नहीं बोल रहा कि ये ऑनलाइन लिखा हुआ था मर्मर। मतलब हम और आप नहीं, कैसे हो सकता है, मतलब कोई सेंस ही नहीं है ना। फाकी, हालांकि बड़ा क्यूट लगा मुझे मर्मर। मर्मर आपको पता है कार्डियक साउंड होती है मर्मर है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मर्मर। हाँ ओके। पाकिस्तानी सिनेमा पहला वर्ड दिमाग में क्या आता है? इवॉल्विंग। ब्लॉगर बरादरी, टेका, हीरा मंडी, खाना, बिजनेस, फूड। अच्छा बिजनेस। रास्ता, फिल्म। बिरयानी के निहारी, बिरयानी। चाय के कॉफी, चाय। कोक के कोकेन, पेप्सी, मतलब कोक के पेप्सी, कोक। रेडियो की टीवी, टीवी। जियो की एयरवाय, डिफिकल्ट। दोनों कह दे ताकि फिर। नहीं नहीं, दोनों नहीं कहूंगी मैं, क्यों दोनों कहूँ, दोनों मेरे घर के नहीं है। सो जियो। अगर आप फिल्म एक्ट्रेस होती तो इनमें से कौन सा गाना, ये हाइपोथेटिकल है, क्या है? टिश्यू